हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर सर्चिंग कैसे की जा सकती है। सर्चिंग का एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करेंगे हम BST की क्लास के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि राइट साइड पे मैंने एक ट्री ड्रॉ किया और ये वही ट्री है जो मेन में मैंने डेटा BST के अंदर इंसर्ट करवाया हुआ है। तो सपोज कर लेते हैं कि मैंने 75 को सर्च करवाना है, तो मुझे यूजर से पूछना पड़ेगा क्या कौन सा नंबर आप सर्च करवाना चाहते हैं। तो सपोज यूजर ने कहा 75 सर्च करें, तो मैं चाहता हूँ मेन के अंदर मुझे उस नोड का रेफरेंस मिल जाए जहां पर 75 पड़ा है। अगर नहीं पड़ा हुआ तो नल मुझे मिल जाना चाहिए। तो देखें, सबसे पहले मुझे स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, रूट से करना पड़ेगा। ऑफकोर्स रूट पे चेक लगाऊंगा, अगर तो रूट नल के बराबर है तो मैं वैसे ही कह दूंगा कि यार डाटा नहीं पड़ा हुआ, कोई भी रूट वैसे ही एम्प्टी है, तो उसमें से 75 क्या ढूंढना है। तो अगर नल नहीं है रूट, तो आपने टेम्परेरी पॉइंटर बनाना है और उस टेम्परेरी पॉइंटर को आपने रूट से स्टार्ट करना और चेक करना है टेम्प के डाटा के बराबर है 75। तो देखिए, टेम्प के डाटा मतलब 50 के बराबर है, 75 नहीं बराबर, तो फिर हम क्या चेक लगाएंगे। अब यहाँ तो टेम्प के राइट साइड पर डाटा पड़ा है या लेफ्ट साइड पर पड़ा है, तो 75 क्योंकि 50 से बड़ा है तो ऑफ कोर्स यार राइट साइड पर डाटा पड़ा है, तो हम टेम्प को किधर मूव कर देंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का राइट, तो टेम्प यहाँ से खत्म हो जाएगा और इस जगह पे पॉइंट करने लग जाएगा। दोबारा फिर चेक किया जाएगा कि क्या 75 के बराबर है टेम्प का डाटा, नहीं बराबर तो चेक किया जाएगा क्या टेम्प के डाटा से छोटा है या बड़ा है ये वाला नंबर जो सर्च करने लगे। तो बताएं 75 100 से छोटा है तो हम टेम्प को किस साइड पे मूव कर देंगे, टेम्प इधर छोड़ देगा इसको और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का लेफ्ट हो जाएगा, तो टेम्प आ गया इस जगह पे। दोबारा फिर चेक हुआ कि बराबर है डाटा टेम्प के, तो बराबर है तो मैं रिटर्न कर लूंगा टेम्प को। टेम्प के पास वो एड्रेस पड़ा होगा इस नोड का जहां पे 75 पड़ा हुआ है। सपोज कर लेते हैं कि सर्च हो गया 90, तो देखिये 90 सर्च करते करते 50 से 100 पे आएगा टेम्प, फिर उसके बाद 75 पे आएगा, उसके बाद यार टेम्प किस साइड पे चला जाएगा, राइट साइड पे नल पे चला जाएगा, इधर नल पड़ा हुआ है तो टेम्प जो है ना वो नल को पॉइंट करने लग जाएगा। तो मैंने लूप कब तक चलाना है, जब तक टेम्प किसके बराबर ना हो जाए, नल के बराबर ना हो जाए। अगर तो टेम्प नल के बराबर पहुंच गया तो मैं वैसे ही क्या रिटर्न करा लूंगा, टेम्प रिटर्न करवा लूंगा या नल रिटर्न करवा लूंगा, और उसका मतलब होगा कि मुझे डाटा नहीं मिला। तो आइए इसको इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे BST की क्लास के अंदर और देखते हैं इसको रन करके। तो ये BST क्लास आपको नजर आ रही होगी जिसपे हम पिछली वीडियो से काम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं नोड स्टैटिक सर्च, और इसके अंदर एक डाटा आया करेगा इंटीजर टाइप का। तो पहला तो चेक ये लगा लेते हैं कि क्या रूट नल है, अगर तो रूट नल है तो फिर क्या रिटर्न कर दो, वैसे ही आप नल रिटर्न कर दो, नल भी आप लिख सकते हैं, आप रूट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एल्स वाले पार्ट में आ जाते हैं, जब रूट नल नहीं है तो फिर हमें क्या बनाना पड़ेगा, नोड टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ेगा टेम्प, और इसको बराबर आप कर देंगे किसके, रूट के आप बराबर कर देंगे इसको, और यहाँ पे आप लूप लगाएंगे वाइल, जब तक टेम्प किसके इक्वल नहीं हो जाता, नल के इक्वल नहीं हो जाता, तो जब तक ये नल के इक्वल नहीं हो जाता आप यहाँ पे चेक लगाएंगे इफ क्या टेम्प का डाटा, जो टेम्प का डाटा है क्या वो ग्रेटर है डाटा से। यार अगर टेम्प का डाटा ग्रेटर है डाटा से तो फिर तो टेम्प को पहला तो चेक ये लगाना पड़ेगा कि बराबर है या नहीं, तो अगर तो इक्वल है तो वैसे ही आप रिटर्न करवा लेंगे इसको टेम्प को। एल्स इफ अगर टेम्प का डाटा लेस देन डाटा है, तो डाटा ग्रेटर है टेम्प के डाटा से, तो हम राइट साइड पे मूव कर देंगे, तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का राइट। और एल्स लास्ट एल्स का मतलब क्या होगा कि ना तो इक्वल है ना ही लेस देन है टेम्प का डाटा, तो ऑफ कोर्स ग्रेटर ही होगा, तो फिर टेम्प को किस साइड पे मूव कर देते हैं, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का लेफ्ट, ये कर देते हैं। यार अगर ये पूरा लूप चल जाता है और कुछ भी रिटर्न नहीं होता तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि डाटा नहीं मिला और टेम्प नल तक पहुंच चुका है, तो आप वैसे ही एंड पे क्या रिटर्न करवा दें, नल रिटर्न करवा लें। टेम्प में भी ऑफ कोर्स नल ही पड़ा हुआ है तो आपने नल रिटर्न करवा दिया। तो लेट्स सी
इसको मेन में चला के देखते हैं हम। यहाँ पे नोड बनाते हैं, फाइंड इज इक्वल टू, और सर्च bst डॉट सर्च करना है, किसको सर्च करना है, 75। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इफ अगर तो ये बराबर आता है नल के तो इसका मतलब है कि डाटा नहीं फाउंड हुआ, मतलब वो 75 जो है वो नहीं मिला, डाटा नोट फाउंड। और एल्स में डाटा मिल गया है तो आप सी आउट करें कि एरो डाटा इज फाउंड, ये आप कर दें। हैंडल का ई छोटा करना पड़ेगा, और इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये 75 आप यूजर से भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक इंटीजर बनाते हैं की, और यहाँ पे सी आउट कर लेते हैं एंटर द नंबर विच यू वांट टू सर्च, ये कर दिया हमने। और यहाँ पे सीन कर लेते हैं किसको, की को, तो यहाँ पे सर्च में किसको भेज देंगे, की को सेंड कर देंगे। तो चलिए इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पे एरर किस चीज का आया है कि टेम्प को रूट के इक्वल किया था, और तो चेक करते हैं क्या एरर यहाँ पे दिया जा रहा है। तो टेम्प का डाटा हम डायरेक्ट गेट नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे गेट डाटा करना पड़ेगा क्योंकि वो प्राइवेट था ना, इस वजह से। तो टेम्प का गेट डाटा वाला फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। इसी तरह जो टेम्प का यहाँ पे किया हुआ है, टेम्प का राइट इज इक्वल टू एन किया ना, तो ये हमें करना पड़ेगा यहाँ पे टेम्प का सेट राइट, और इसमें मुझे सेंड करना पड़ेगा, इस तरीके से काम करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे भी मुझे टेम्प का गेट राइट करना पड़ेगा क्योंकि वो सारे वेरिएबल्स प्राइवेट थे ना इसीलिए। और यहाँ पे भी टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का गेट गेट राइट, ये करना पड़ेगा। और कहाँ पे चेंजिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे लेफ्ट वाला जो है टेम्प का लेफ्ट, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा गेट लेफ्ट, और इसको कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे भी यहाँ पे होगा सेट लेफ्ट, और इसमें पास कर दिया जाएगा इस एन को, और यहाँ पर भी गेट लेफ्ट किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर मुझे गेट डाटा करना पड़ेगा, और कहाँ पे गेट डाटा करना पड़ेगा, इस जगह पे गेट डाटा करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे मुझे गेट लेफ्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे लास्ट में मुझे गेट राइट करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे गेट डाटा लिखना पड़ेगा, गेट डाटा, तो ये मुझे किस चीज का एरर दे रहा है, चेक कर लेते हैं हम लॉक्स में जाकर। लॉक्स में वो कह रहा है कि इनवैलिड ऑपरेंड ऑफ टाइप कौन से कैरेक्टर एंड अनरिजॉल्व्ड ओवरलोडेड फंक्शन। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या एरर इसने दिया है। अच्छा जी, FND एरो गेट डेटा, ओके। तो यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर मिसिंग था, अब ये चल जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं क्या, कौन सा डाटा आप सर्च करने लगे थे, 75 पहले, तो 75 किया तो देखिए 75 फाउंड हो गया है। और अगर इसकी जगह पे मैं कहता हूँ 90, तो देखते हैं 90 फाउंड होता है, तो वो कह रहा है 90 नोट फाउंड। तो आई होप सो गाइस, आपको डाटा स्ट्रक्चर कि इस सीरीज की ये वाली वीडियो समझ आई होगी कि BST में सर्चिंग कैसे करते हैं। अब देखें सर्चिंग जो है वो कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगी, हाफ ऑफ डाटा जो है वो स्किप होता जा रहा है, इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ओ लॉग ऑफ एन, और लिंक लिस्ट में यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो सर्चिंग की थी ये होती थी बिग ओ ऑफ एन। तो अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।